सुबह उठें और जल्दी बिस्तर का त्याग न करें, थोड़ी देर बिस्तर पर ही बैठे रहें। जिस भगवान में श्रद्धा हो, जिस गुरु में श्रद्धा हो, जिस इष्ट में श्रद्धा हो, ध्यान करें। हे भगवान, हे सर्वशक्तिमान, हे रोम रोम में रमने वाले, हे बुद्धि के प्रेरक, हे मन के संकल्प विकल्प जहां से उठ रहे हैं उसके उत्पत्ति स्थान, हे परमात्मा, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। आप मकान को कह सकते हो कि दिस इज माय हाउस, दिस इज माय ऑफिस। दिस इज माय कैप, ये मेरी टोपी है, ये मेरी धोती है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी मकान है, ये मेरी चद्दर है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरी पेन है। 4-5 रुपए की, 10 रुपए की पेन को तुम अपना मान सकते हो तो जो भगवान सदा से तुम्हारा था, जो भगवान सदा से तुम्हारा है और जो भगवान मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, ऐसे भगवान को अपना मानने में कंजूसी क्यों करते हो? ये सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से कहो कि हे भगवान, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। जो नहीं मानता उसको भी ये लागू होता है। जो ये नहीं कहता, जो ये कहता है कि मैं श्वास नहीं ले रहा हूं, तो क्या उसके कहने से ये बात सच हो जाएगी क्या? मैं श्वास नहीं ले रहा हूं, ये श्वास लेते हुए ही तो कह रहा है। अगर श्वास नहीं लेता या श्वास बंद हो जाए तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं मर गया। वो भी जीते जी कहेगा कि मैं मर गया। अगर सचमुच में मरेगा तो ये नहीं कह सकता कि मैं मर गया। इसी प्रकार जो ये कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, या मैं भगवान का नहीं हूं, या भगवान मेरे नहीं है, वो ये किसकी शक्ति से कह रहा है? भगवान की शक्ति से कह रहा है। ये मानो न मानो हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है, प्रेम इंसान की जरूरत है। तुम उस भगवान से प्रेम करो। तुम पत्नी को प्रेम करोगे तो या तो पत्नी तुमको छोड़कर चली जाएगी या तुम पत्नी को छोड़कर चले जाओगे। तुम पति से प्रेम करते हो, या तो पति तुमको छोड़कर चले जाएंगे या तुम पति को छोड़कर चली जाओगी। तुम बाल बच्चों से प्रेम करते हो, या तो तुम बाल बच्चों को छोड़कर चले जाओगे या बाल बच्चे तुमको छोड़कर चले जाएंगे। तुम ये कहते हो कि गाड़ी मेरी है, मकान मेरी है, दुकान मेरी है, मुई 800,000 की, 1200 की साइकिल मेरी है, उस साइकिल को पता नहीं कि मैं किसकी हूं। पता है क्या? जिस साइकिल को तुम कहते हो कि ये साइकिल मेरी है या जूती मेरी है, कमबख्त जूती को ये पता नहीं कि मैं कौन से साहब की हूं या कौन सी माई की हूं। पता है क्या? क्योंकि वो जड़ है। लेकिन जिस भगवान को तुम ये कहते हो कि हे प्रभु तुम मेरे हो और हम तुम्हारे हैं, वो भगवान जड़ नहीं है, वो भगवान चेतन है। तुम 10 कदम चलते हो तो वो 100 कदम तुम्हारे लिए चलते हैं। तो ये अपने मन में पक्का कर लो कि हम भगवान के हैं, बस पक्का इरादा। ओ पालन हारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हम राखो। वो परमात्मा सदा से हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे, और दुनिया में उनके जैसा अपना कोई है ही नहीं।
जहां भी रहते हैं वो भगवान के दरबार में रहते हैं। मेरा है नहीं, मेरा था नहीं, मेरा हो सकता नहीं। क्या नाम है? मतलब मेरा नाम हमारा नाम रमेश भाई है। क्या नाम है? बोले हमारा नाम गोविंद भाई है। क्या नाम है? बोले हमारा नाम मनोहर लाल है। क्या नाम है? बोले मेरा नाम कविता है, सविता है, अमुक है। तुम रमेश भाई हो? बोले हाँ मैं रमेश भाई हूं। कहाँ है रमेश भाई? बोले ये तो तेरी छाती है। तुम रमेश भाई हो? बोले हाँ। कहाँ है? बोले ये तो तेरा कंधा है। बोले ये रमेश भाई, ये तो तेरी खोपड़ी है, कपाल है। बोले ये पूरा मिला के मैं रमेश भाई हूं। अब शरीर को ढूंढो, क्या मिलेगा? कुछ खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, खून, रक्त, रक्त, मांस, मल मूत्र, ये सब शरीर में है। 72,000 नाड़ियां हैं। अब ये बुलाया जाए, हड्डी मांस खून इधर आओ, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? किसी को कहा जाए ए हड्डी मांस खून चाम, ए भाई इधर आओ, तो अच्छा लगेगा? वो गाली देगा, क्योंकि हकीकत में तुम ये नहीं हो। तुम्हारे हाथ को पता ही नहीं कि मैं हाथ हूं। तुम्हारे पैर को ये पता ही नहीं कि मैं पैर हूं। ये तुम्हारी बुद्धि में है कि ये पैर है। तुम्हारे कानों को ये पता नहीं कि मैं कान हूं। तुम्हारी आंख को ये पता नहीं कि मैं आंख हूं। तुम्हारे नाक को ये पता नहीं कि मैं नाक हूं। ये तुम्हारी बुद्धि में है कि इसको आंख बोलते हैं, इसको कान बोलते हैं, इसको जीभ बोलते हैं, इसको नाक बोलते हैं। हकीकत में ये जन्मने और मरने वाला शरीर जो उत्पन्न होता है, बढ़ता है और मरमिट जाता है, ये पैदा होने वाला और मरने वाला शरीर तुम नहीं हो। तुम तो अजर अमर परमात्मा के अंश हो। ये ज्ञान सत्संग से मिलता है। क्या करूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो ये हूं, वो तो शरीर है, तुम थोड़े हो। ऐसे शरीर तो न जाने कितनी बार मिले और कितनी बार छूट गए। इससे तुम्हारा क्या बना और तुम्हारा क्या बिगड़ा? इस सृष्टि को चले हुए हजारों साल हो गए, एक दो वर्ष थोड़ी, 100-200 साल थोड़े, हजारों हजारों वर्ष। हजारों साल पहले भी तुम थे पहले, हजारों साल पहले, इसलिए आज हो। इसका मतलब यह है कि हजारों साल हो जाएंगे, उसके बाद भी तुम रहोगे। तुम्हारा रूप अलग हो सकता है, तुम्हारा नाम अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हें मिटा सके ये दुनिया में दम नहीं। तुमसे जमाना है, जमाने से तुम नहीं, ये बात समझ लेनी पड़ेगी। विश्व का बड़े में बड़ा डॉक्टर, हम चैलेंज करते हैं, विश्व का बड़े में बड़ा साइंटिस्ट, विश्व का बड़े में बड़ा डॉक्टर, बड़े में बड़ा तत्वचिंतक, राई के एक दाने को भी नष्ट नहीं कर सकता है, सरसों के एक दाने को भी नष्ट नहीं कर सकते हो तुम। बोलो बोलो तो अभी कर देंगे यूं मसला और हो गया नष्ट? नहीं, उसका चूर्ण बना सकते हो, आंखों से ओझल कर सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो है। ये ज्ञान भारत की महिलाएं देती थी अपने बच्चों को, और दूध पीते पीते, दूध पिलाते पिलाते बच्चों को वो आत्मज्ञानी बना देती थी, ब्रह्मज्ञानी बना देती थी भारत की महिलाएं। मदालसा के 10 बेटे हुए, 9 बेटों को उसने आत्मज्ञानी बना दिया, ब्रह्मज्ञानी बना दिया।
उसने ऐलान किया कि धिक्कार है उस कोख को जिस कोख से पैदा होने वाला बालक अज्ञानी और मूर्ख होकर मर जाए। मैं मेरी कोख को असफल नहीं होने दूंगी, मैं मेरी कोख को सफल बनाऊंगी, सार्थक बनाऊंगी। मेरे पेट में आया हुआ बालक मरने के बाद फिर दूसरे की कोख में जाए, मेरे गर्भ में आया हुआ बालक फिर मरने के बाद दूसरी किसी माता के गर्भ में ऊंधा होके लटके, यह संभव नहीं। कभी दो पैर वाली मां मिली तो कभी चार पैर वाली मां मिली। दो पैर वाली मां उड़ने वाली पक्षी, कभी चार पैर वाली मां पशु, कभी रेंगने वाली मां, कभी पानी में चलने वाली मां। 84 लाख योनियां हैं। मदालसा ने अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो नारायणो सी त्यज मोह निद्रा मदालसा उवाच। हे बेटा, ओ मेरे लाल, अपने बच्चे को बोलती है दूध पिलाते पिलाते, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू नारायण है, इस अज्ञान की इस मोहमयी रात्रि को त्याग दे और अपने ज्ञान स्वरूप को याद कर कि तू भगवान का सनातन अंश है, और जीवन मुक्त बना दिया, ब्रह्मज्ञानी बना दिया। वो ऐसा कर सकती है तो हे भारत की देवियां, भारत की माताएं, तुम क्या ऐसा नहीं कर सकती? क्या तुम भी कर सकती हो? अपने बच्चों को योगी बनाओ, ज्ञानी बनाओ, तपस्वी बनाओ, अच्छे संस्कार दो। इसी जगवगन वन में, जो यहां से 3 किलोमीटर है, बृहदारण्यक उपनिषद की रचना की थी याज्ञवल्क ने। बृहदारण्यक उपनिषद जो ज्ञान विद्या की बहुत ऊंची और अच्छी उपनिषद मानी जाती है, यहां से 3 किलोमीटर पर उसकी रचना हुई। तो मैत्रेय और कात्यायनी को याज्ञवल्क ने यह पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। कात्यायनी ने कहा मुझे संसार के भोग चाहिए, और मैत्रेय ने कहा मुझे वो चीज चाहिए जिसको मृत्यु भी नहीं छीन सकता। याज्ञवल्क ने कात्यायनी को संसारिक भोग दिए, विलास दिए, लेकिन मैत्रेय को वो ज्ञान दिया जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। और फिर उस आत्मज्ञान को पाकर वो कृतकृत्य हुई, और फिर उसने एक उपनिषद लिखी जिसको मैत्रेय उपनिषद कहते हैं। भारत की महिलाएं भी उपनिषद बना दिया, कैसी ऊंची बात, महिलाओं ने उपनिषद की रचना की। तो आप ये संकल्प करें कि हमें हमारे जीवन को दिव्य बनाना है, महान बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, क्योंकि भगवान की अनंत शक्ति, भगवान का अनंत बल हमारे पास है, साथ है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे आकर खुद पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। अपनी खुदी को, अपने हौसले को इतना बुलंद करो, और वो हौसला कैसे बुलंद होता है? त्रिकाल संध्या, एक सवेरे जिस समय सूर्योदय होता है, उस समय जिस समय सूर्यास्त होता है, अभी का जो समय है थोड़ा दिन है, थोड़ी रात है, ये संधि काल है अभी जो चल रहा है, न पूरा दिन है न पूरी रात है, रात होने को है, दिन जाने को है, ये संध्या काल है। सुबह क्या होता है? रात जाने को होती है, दिन आने को होता है, ये संधि। उस संधि के समय
जीवात्मा की परमात्मा के साथ भी संधि कर ले, आत्मा की परमात्मा के साथ भी संधि कर ले। कुछ तो आपके पास जड़ है, कुछ आपके पास चेतन है। आपके मन में जो ज्ञान है, जो विचार है, वो चेतन है, और आपका जो शरीर है वो जड़ है। ये जड़ और चेतन, इसका मिक्स है ये संसार और कुछ नहीं। ऐसे संधि काल के समय कमर सीधी करके थोड़ा समय ध्यान करें। हरि ओम।